हम देखते हैं गोकू और इन्फिनिटी गोकू एक दूसरे पर अपना सबसे ताकतवर हमला करते हैं, जिस वजह से इन्फिनिटी गोकू अपनी डार्क जिन फॉर्म में आ जाता है और गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। और हम देखते हैं ओमनी किंग गोकू की शील्ड भी टूट जाती है, जिस वजह से याजुमा वहाँ पर आ जाता है और कहता है, तो तुम सब यहाँ पर हो, मैंने तुम सब की एनर्जी महसूस की थी और अब तुम सब नहीं बचोगे क्योंकि तुमने मेरे भाई यामुरा को मारा है। ओमनी किंग गोकू कहता, अच्छा तो तुम यामुरा के भाई हो, बेहतर होगा तुम भी यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। याजुमा ओमनी किंग गोकू की बात सुनकर काफी हंसने लगता है और कहता है, तुम मुझे मारोगे। डार्क जिन गोकू कहता, आखिर ये कौन है, इसके अंदर तो मेरे से भी ज्यादा डार्क पावर है। तभी गोकू याजुमा से कहता, तुम सब आखिर मुझसे चाहते क्या हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम्हारा भाई अपनी गलती की वजह से मारा गया है, वो हमसे खुद ही लड़ने आया था। गोकू जैसे ये कहता, हम देखते वो हवा में काफी दूर जाकर गिरता है। याजुमा कहता, अपनी बकवास बंद करो, तुमने ही उसे मारा है। ओमनी किंग गोकू और डार्क जिन गोकू ये देखकर अपनी पोजीशन ले लेते हैं और कहते हैं, ये काफी खतरनाक है। डार्क जिन गोकू जैसे याजुमा पर हमला करने जाता है, अचानक से वो बीच में ही रुक जाता है, वो याजुमा के करीब भी नहीं पहुंच पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि याजुमा उस पर कंट्रोल कर रहा है। याजुमा कहता, तुम्हारे पास डार्क पावर है और तुम सोच रहे हो तुम मुझे नुकसान पहुंचा दोगे, ये हो ही नहीं सकता। और तभी हम देखते हैं डार्क जिन गोकू अचानक से ओमनी किंग गोकू पर हमला कर देता है। ओमनी किंग गोकू कहता, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो। डार्क जिन गोकू इसका कोई जवाब नहीं देता और वो ओमनी किंग गोकू पर हमला करता रहता है। ओमनी किंग गोकू उसके सारे हमले को टॉर्च करता है और कहता, मैं तुम पर हमला नहीं करना चाहता, तो रुक जाओ। डार्क जिन गोकू ओमनी किंग गोकू की एक नहीं सुनता और वो लगातार उस पर हमला करता रहता है। ओमनी किंग गोकू कहता, इसका मतलब याजुमा ने इस पर कंट्रोल कर लिया है, मुझे इसे किसी भी तरह याजुमा के कंट्रोल से बाहर लाना होगा वरना ये मुझ पर हमला करता ही रहेगा। ये कहने के बाद वो डार्क जिन गोकू पर हमला करता है, लेकिन डार्क जिन गोकू उसके हमले को टॉर्च करता है। ओमनी किंग गोकू कहता, ये तो काफी तेज हो गया है, अगर मैंने इस पर अपनी पूरी ताकत से हमला किया तो ये घायल हो जाएगा, मैं क्या करूं। ओमनी किंग गोकू जैसे ये कहता, हम देखते हैं डार्क जिन गोकू उस पर अपना हमला कर देता है, जिससे ओमनी किंग गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम याजुमा को देखते हैं, जो कहता है, इन्हें आपस में ही मारने दो, मैं उसे देखता हूँ। और ये कहने के बाद वो गोकू की तरफ बढ़ता है और जैसे ही गोकू के पास पहुंचता है, गोकू वहां पर नहीं होता, वो उसके पीछे से कहता, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। याजुमा जैसे ही पीछे मुड़ता है, हम देखते हैं गोकू उस पर अपना हमला कर देता है और वो अपनी प्योर पावर की फॉर्म में होता है, जिस वजह से याजुमा उस हमले से काफी दूर जाकर गिरता है। और गोकू फिर से याजुमा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है और उस पर कई सारे हमले करता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचने लगती है। याजुमा लगातार गोकू के हमले से पिटता रहता है और तभी गोकू एक प्योर पावर से बहुत बड़ा की बलास्ट अटैक तैयार करता है और सीधा याजुमा की तरफ कर देता है। और जैसे वो हमला याजुमा से टकराता है, वहाँ पर एक तेज रोशनी फैलती है और काफी बड़ा धमाका होता है। और जैसे वो धमाका खत्म होता है, हम देखते हैं याजुमा उस हमले से काफी घायल हो चुका था। गोकू कहता है, तुम तो अपने भाई यामुरा से भी कमजोर निकले। ये कहने के बाद गोकू उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है और एक बहुत पावरफुल पंच करता है। और जैसे ही वो पंच उसके पेट में लगने वाला होता है, अचानक याजुमा उसके पंच को अपने हाथ से रोक लेता है। गोकू की तरफ जैसे नजर उठाता है, गोकू बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है, ये नहीं हो सकता, ये तो मेरी चाल है, तुम इस बारे में कैसे जानते हो। जैसे वो सील्ड में कैद होने वाला होता है, हम देखते हैं ओमनी किंग गोकू वहाँ पर आके उसे बचा लेता है और कहता है, फाइट पे ध्यान दो गोकू, ये तुम क्या कर रहे हो, वो बहुत ताकतवर है। ओमनी किंग गोकू जैसे ये कहता, हम देखते याजुमा उसे हमला करके बहुत दूर फेंक देता है, मेरी फाइट से दूर रहो। और वो गोकू से कहता है, तो हम कहाँ पर थे, तुम्हारी प्योर पावर वो मुझे चाहिए। गोकू कहता है, नहीं ये कैसे हो सकता है, उस हमले से तुम्हें इतनी चोट आई थी, फिर तुम। याजुमा कहता है, वो बच्चों वाले हमले से मुझे कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ, अगर मैं कमजोर होता तो मैं अपने भाई की तरह अकेला लड़ने तुमसे कभी नहीं आता। ये कहने के बाद वो गोकू पर बहुत सारे पंच करता है, जिससे गोकू काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद हम ओमनी किंग गोकू को देखते हैं, जो गोकू को बचाने के लिए जैसे आगे बढ़ता, हम देखते हैं डार्क जिन गोकू उसके सामने आ जाता है और कहता, अपनी फाइट से मत भागो, तुम्हारी फाइट मुझसे है तो चलो आ जाओ। ओमनी किंग गोकू कहता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता और ना ही तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ, अगर मैंने तुम पर सोल ब्रेकर अटैक किया तो हो सकता है तुम मारे जाओ या फिर ये ताकत खो दो, और मैं ये तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता, तो बेहतर होगा मेरे रास्ते से हट जाओ। ओमनी किंग गोकू जैसे ही कहता, हम देखते हैं डार्क जिन गोकू उस पर हमला करता है और कहता है, मैं तुमसे नहीं डरने वाला। ओमनी किंग गोकू कहता है, तुम पे वो हावी हो रहा है, उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो, तुम इन्फिनिटी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उससे बच सकते हो तो ये करो। ये कहने के बाद वो डार्क जिन गोकू पर एक पंच करता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वो गोकू को बचाने के लिए फिर से जाता है, लेकिन डार्क जिन गोकू फिर से उसके सामने आ जाता है। ओमनी किंग गोकू कहता है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे वो करना ही होगा। इसके बाद हम याजुमा को देखते हैं, जो गोकू पर लगातार हमला करता रहता है।
गोकू उसके कई सारे हमले को टच करता है लेकिन वो फिर भी बहुत घायल हो जाता है। याजुमा गोकू के मुकाबले बहुत ताकतवर होता है जिस वजह से गोकू लगातार पिटता रहता है और वो घायल होता रहता है, लेकिन प्योर पावर होने के कारण गोकू लगातार खुद को हील करता है और याजुमा से फाइट करता है। याजुमा कहता है, यकीन नहीं हो रहा है तुम अभी तक मेरे सामने जिंदा हो, मेरे सामने अब तक इतनी देर तक कोई नहीं टिक पाया, मैंने अपने ज्यादातर दुश्मनों को एक ही हमले में खत्म किया है लेकिन मुझे तुम्हारी तारीफ करनी होगी। गोकू कहता है, तुम्हारा भाई भी थोड़ी देर पहले मुझसे यही कह रहा था और देखो उसका क्या हाल हुआ, और तुम भी जल्दी मेरे हाथों ही मरोगे। याजुमा ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसे बात करोगे? और ये कहने के बाद वो डार्क पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत पावरफुल अटैक बनाता है जो काफी बड़ा होता है और वो सीधा गोकू की तरफ कर देता है, और हम देखते हैं गोकू जैसे उस हमले को छूता है डार्क पावर गोकू पर हावी होने लगती है और वो कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये आखिर कैसा अटैक है, मुझे अजीब सा फील हो रहा है, मैं इसे रोक नहीं पा रहा। और तभी अचानक वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं गोकू उस हमले से काफी ज्यादा घायल हो जाता है। गोकू जैसे खुद को हील करने की कोशिश करता है याजुमा उसके पास आता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें बार बार ठीक होने का मौका नहीं दूंगा और अब तुम मरो। और जैसे ही वो गोकू को एब्जॉर्ब करने वाला होता है ओमनी किंग गोकू आकर उसे फिर से बचा लेता है और याजुमा को एक जोरदार पंच करता है और वो गोकू से कहता है, क्या तुम ठीक हो? गोकू कहता है, पता नहीं, मैं अपनी पावर को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। ओमनी किंग गोकू कहता है, क्या तुमने याजुमा को एब्जॉर्ब किया है? शायद इसीलिए तो ये नहीं हो रहा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। गोकू कहता है, मुझे इस बारे में नहीं पता लेकिन उस गोकू का क्या हुआ, वो तुम पर हमला क्यों कर रहा था? ओमनी किंग गोकू कहता है, वो याजुमा के कंट्रोल में है लेकिन वो अभी ठीक है, वो अपनी बेस फॉर्म में आ चुका है और वो बेहोश पड़ा है। मैं ये करना तो नहीं चाहता था लेकिन उसने मेरे पे दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था इसलिए मैंने मजबूरी में आकर ये किया। गोकू कहता, कहीं तुमने उसे मार तो नहीं दिया? ओमनी किंग गोकू कहता, नहीं चिंता मत करो, वो अभी ठीक हो जाएगा। लेकिन गोकू जैसे ये कहता हम देखते हैं याजुमा फिर से उसके सामने आता है और कहता है, तुम मेरे बीच में बार बार क्यों आ रहे हो? लेकिन गोकू कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें इसकी पावर एब्जॉर्ब नहीं करने दूंगा, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। याजुमा कहता है, तो तुम मुझे रोकना चाहते हो लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। ये कहने के बाद वो ओमनी किंग गोकू पर हमला करता है। ओमनी किंग गोकू उसके हमले को देख भी नहीं पाता जिस वजह से वो हमला ओमनी किंग गोकू को लग जाता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। उसे समझ नहीं आता वो हमला उसे कैसे लगा। जैसे ही ओमनी किंग दोबारा उठने की कोशिश करता है यामुरा उस पर एक की ब्लास्ट अटैक करता है जिससे वहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है और जैसे वो धमाके का असर खत्म होता है ओमनी किंग गोकू घायल हो चुका था और तभी यामुरा उस पर कई सारे की ब्लास्ट अटैक और कर देता है। वो ओमनी किंग गोकू को मारने की कोशिश करता है, वो उसे एक भी मौका नहीं देता और उस पर लगातार हमला करता रहता है। ओमनी किंग गोकू उसके हमले से लगातार घायल होता रहता है और कहता है, इसके हमले काफी पावरफुल है, मैं इसे रोक नहीं पा रहा लेकिन कैसे। और याजुमा जैसे ही ओमनी किंग गोकू को मारने के लिए आगे जाता है गोकू से रोक लेता है और कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कहने के बाद वो अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी याजुमा उसे एक किक करता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है और फिर वो ओमनी किंग गोकू के पास जाने लगता है। ओमनी किंग गोकू काफी घायल हो जाता है, वो अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। तभी याजुमा उसके पास आकर उसे एक किक करता है जिससे वो जमीन पर गिरता है। ओमनी किंग गोकू कहता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? ओमनी किंग गोकू खुद को हील करने की कोशिश करता है लेकिन याजुमा उसे इतना भी वक्त नहीं देता, वो उस पर लगातार हमला करता रहता है। भी ओमनी किंग गोकू उसके हमले को टॉच करते हुए खुद को हील करने की कोशिश करता है लेकिन याजुमा उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझसे बच नहीं सकते। लेकिन तभी हम गोकू को देखते हैं जो एक ही ब्लास्ट अटैक बनाता है याजुमा की तरफ कर देता है। जैसे वो हमला याजुमा को लगता है ओमनी किंग गोकू को थोड़ा सा वक्त मिल जाता है और वो अपने आप को हील करने में कामयाब हो जाता है और वो याजुमा से कहता है, तुम बहुत ताकतवर हो, लगा नहीं था तुम इतने पावरफुल होगे। याजुमा कहता है, क्या कहा तुम्हें, मैं ताकतवर नहीं लगता तो इसका सामना करो। ये कहने के बाद वो की ब्लास्ट अटैक करता है जो बहुत बड़ा होता है। तभी ओमनी किंग गोकू उस पर अपना ओमनी की ब्लास्ट अटैक करता है जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है और वो हमला बीच में ही खत्म हो जाता है। याजुमा कहता है, अच्छा तो तुम ये भी कर सकते हो। तभी वो ओमनी किंग गोकू की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है लेकिन ओमनी किंग गोकू अचानक से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आता है और उस पर एक ड्रैगन पंच करता है जिससे वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। जैसे वो धुआं हटता है हम देखते हैं याजुमा थोड़ा सा घायल हो चुका था लेकिन वो खुद को एक ही पल में हील करता है और कहता है, ये हमला उतना बुरा भी नहीं था, मानना पड़ेगा ये काफी दमदार था। ओमनी किंग गोकू कहता है, तो तुम्हें उस हमले से कुछ नहीं हुआ? अभी ओमनी किंग गोकू उस पर सोल ब्रेकर टेक्निक इस्तेमाल करके की ब्लास्ट अटैक करता है। वो एनर्जी जैसे याजुमा से टकराने वाली होती है याजुमा वहाँ से फौरन हट जाता है।
ओनी किंग गोकू के ऊपर आकर उस पर एक की बलासा अटैक करता है। ओनी किंग गोकू जैसे उस अटैक को देखता है वो वहाँ से फौरन हट जाता है, लेकिन याजुमा अचानक से उसके पीछे आ जाता है। ओनी किंग गोकू कहता है ये क्या हो रहा है, और हम देखते हैं गोकू के चारों तरफ डार्क एनर्जी का पहरा होता है। याजुमा कहता है अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे बचने का कोई चांस नहीं। ओमनी किंग गोकू डार्क पावर से बचने की कोशिश करता है और अपनी सोल ब्रेकर पावर को रिलीज करता है। याजुमा की डार्क पावर बहुत पावरफुल होती है, गोकू को ऐसा करने से कुछ नहीं होता। वो ओमनी किंग गोकू को धीरे धीरे अब्सॉर्ब कर रहा होता है और उसकी पावर कम होने लगती है। ओमनी किंग गोकू खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। ओमनी किंग गोकू कहता है लगता है अब इसका वक्त आ गया है, और तभी अचानक से वो सारी डार्क पावर खत्म हो जाती है। याजुमा ये देखकर थोड़ा सा शॉक रह जाता है और वो कहता है तुमने ये कैसे किया और तुम इतने ताकतवर कैसे हो। याजुमा ये बात ओमनी गोकू से नहीं कह रहा था, बल्कि वहाँ पर जेनो गोकू आ गया था और उसी ने ओमनी किंग गोकू को बचाया था, और उसके साथ ओमनी किंग वेजिटा भी था। जेनो गोकू कहता है तुमने काफी तबाही मचा ली और तुम्हारा सोने का वक्त आ चुका है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जेनो गोकू याजुमा को हरा भी पाता है या नहीं। और आप सब सोच रहे होंगे जेनो गोकू इतना पावरफुल कैसे हो गया, तो ये भी आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।